सही। तू सोच कि तेरे सामने है ना वीरू खड़ी, और तेरे दिल में जो भी है ना वो आंख बंद करके वीरू को बोल दे, करना डोरे बंद। विराट सर, जब मैं आपको देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरे दिल की धड़कने ना म्यूजिक की तरह बज रही है। ऐसा लगता है जैसे जैसे कि गिटार, सितार, वायलिन, पियानो सब कुछ एक साथ बज रहा है। और आप जब ऐसे गुस्सा हो जाते हैं ना तो मेरा दिल टूट जाता है, मैं उदास हो जाती हूँ, जैसे जैसे किसी बच्चे से ना उसका फेवरेट टॉय छीन लिया हो। अब सोचती हूँ ना तो मुझे एहसास होता है कि हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं था विराट साहब, ये तो किस्मत ने पहले ही तय किया था। आपको पता है मैं बचपन से आज तक कभी किसी चीज से नहीं डरी, लेकिन अब आपको खोने की सोच से ही डरती हूँ। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि ये दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन अब फर्क पड़ता है क्योंकि आप ही मेरी दुनिया है। बहुत छुपा लिया सबसे और खुद से भी, अब मैं सबको बता देना चाहती हूँ। लेकिन आज मैं कह रही हूँ विराट सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ जितना प्यार मैंने आज तक कभी किसी से नहीं किया। और ये प्यार ना पल दो पल का प्यार नहीं है, मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ आप ही से प्यार करती रहूंगी। आई लव यू विराट सर, आई लव यू अ लॉट विराट सर, आई लव यू अ लॉट, आई लव यू। स्पेशल नूडल्स फॉर यू मैम। ठीक है भाई, मैं आपको नूडल्स खिलाऊंगी क्योंकि मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया, I love, I love, मुझे ना पहली बार प्यार हुआ, I will love, और मेरे बाद ना पूरी दुनिया को बता देना चाहती हूँ, चिल्ला के बता देना चाहती हूँ कि I am in love, मुझे विराट सर से प्यार हो गया। मेरे पास कोई नहीं है जिसे मैं ये बात कह सकूं, लेकिन आज मैं खुद को रोकूंगी नहीं। मैं अब मैं उस चांद को बता देना चाहती हूँ, इन तारों को बता देना चाहती हूँ, पूरे यूनिवर्स को बता दूंगी, आई एम इन लव, साईं जोशी इज इन लव।
देख देख टूटता हुआ तारा देख। आबा तेरे आबा को ना सब कुछ पहले से पता होता है, तुझे उन्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तेरे आबा है ना ऊपर से तुझे हमेशा देखते रहते हैं। सही सही, तू वीरू को अपने दिल की बात कब बताएगी? हाँ हाँ सही, देख तू है ना सोच समझ के डिसाइड कर कि तू वीरू को आई लव यू कब बोलेगी। ठीक है सोच लिया, बताना कब बोलेगी उसको आई लव यू, बोलना सही बोलना बोलना सही, तो कब बताएगी वीरू को, कब बोलेगी वीरू को, बोल बोलना। नहीं मेरा कुछ चलेगा तो मैं अभी मेरा आता कुछ चला चला कि बोल दूँ मेरा आता आई लव यू। सही ये वीरू यहाँ क्या कर रहा है, इसने कहीं तुझे तुझे चिल्लाते हुए सुन तो नहीं लिया कि तू इससे प्यार करती है? हाँ ताई पता नहीं क्या हो रहा है, वैसे इनकी शक्ल देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने सुन लिया है, अब क्या जो पप्पा की मर्जी होगी। अरे अरे सुन लिया तो क्या हुआ, तू तू है ना तू जा एक बार सामने से जाके बोली दे जा जा जा। क्या 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 कह रही हो ताई, क्या कह रही हो? ठीक तो कह रही हूँ मैं, कभी ना कभी तो बोलना ही है ना, तू जा 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 अभी जाके बोल दे। हाँ जा सही जा। नहीं बोल सकती अभी। अरे इसमें इसमें घबराने की क्या बात है सही, जब प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप आए भरना क्या सही, जा जा जाके बोल दे जा। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का सही, जा अरे जा जा बोला जा। वीरू वीरू सही है ना, तुझसे कुछ बोलना चाहती है। आज मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया है विराट सर, मुझे पता चल गया है मैं आपसे इतनी जुड़ी हुई क्यों महसूस करती थी करती हूँ, आपसे अलग होने का मुझे इतना दुख क्यों होता है, क्योंकि क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। ने मेरी और देविताई की बातें सुन ली है ना? क्या सुन लिया? मुझे ना पता ही था कि आप यही कहने वाले। क्या सुन लिया मैंने सही? मैंने तो कुछ नहीं सुना सही, सब पता है मुझे। आप ना जान बूझ के ये ड्रामा कर रहे हैं, देखिए कितनी भोली सी शक्ल बना ली है। मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने तो कुछ नहीं सुना। ठीक है मैं बता देती हूँ कि मैं देविताई से क्या कह रही थी। आई लव यू विराट सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। मैं
के साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, आपके बारे में, अपने बारे में, और मैं अपनी जिंदगी का हर पल, हर लम्हा, एक एक सेकंड आपके साथ बिताना चाहती हूँ, आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे आपसे प्यार तो शायद बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन उस प्यार का एहसास अब हुआ है। और जब दिल को प्यार का एहसास हो जाता है ना, तो दिल कहता है कि इस पल से लेकर जिंदगी के आखिरी पल तक बस उसी का साथ चाहिए, जिंदगी में सिर्फ उसी का हाथों में हाथ चाहिए। आई लव यू विराज सर, आई लव यू। और मैं तुम भले ही मुझसे प्यार करो, लेकिन मैं तुमसे नफरत करता हूं। नफरत, तुम मेरे लिए कोई नहीं हो, कोई भी नहीं। खुद से भी ज्यादा मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझ पर ही शक किया। पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत उछाल दी, मुझसे ये कहा कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझसे ये कहकर कोसा कि काश तुम मुझसे कभी मिली ही नहीं होती। और जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम मुझे छोड़कर चली गई और अब कहती हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। प्यार का मतलब भी समझती हो तुम? जहां इज्जत और भरोसा ना हो, वहां प्यार हो ही नहीं सकता। एक बात अच्छे से सुन लो सही, ये आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, तुम मेरी कोई नहीं लगती। मैं बहुत पहले ही तुम्हारे लिए मर चुका हूं, तो ये बेकार की बातें करके तुम्हारा और मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। सही, जा, जाना मुलुंटा, जा, जा, बोलना। ताई, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। वीरू, वीरू, वीरू सुनना, तू यहाँ सही की आवाज सुन के आया था ना? सच्ची बता, सही जो कुछ भी बोल रही थी, तूने वो सब कुछ सुन लिया ना? नहीं ताई, ना मैंने कुछ सुना है, ना किसी की बकवास सुनने में दिलचस्पी है। कुछ लोगों की आवाज मेरे कानों में चुभती है, मेरी आंख खुल गई थी, इसलिए मैं यहां चलाया। सोचा खुली हवा में घूमूंगा, अच्छा लगेगा। कमरे में घुटन हो रही थी मुझे, लेकिन यहां तो वहां से भी ज्यादा घुटन हो रही है मुझे। हाँ? घुटन? यहां कहां घुटन है? बुद्धू है क्या तू वीरू? ताई, ताई, इन्हें जाने दीजिए। अरे सही, लेकिन घुटन कहां है यहां? ताई, वो मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात कर। ताई, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरी बात मानिए। आप भी कमरे में जाइए और आराम कर लीजिए, बुरी संगति में रहेंगे तो आपका भी दिमाग खराब हो सकता है। वीरू, 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 वीरू सुनना, वीरू वो सही है ना ताई? ताई सिर्फ गुड नाइट कह रही थी। गुड नाइट, शबक है, शुभ रात्रि। हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। ये क्या किया तूने सही? हाँ, अच्छा मौका मिला था। तू स्टुपिड उल्लू सही, तूने वीरू को क्यों नहीं बताया कि तू उसे कितना प्यार करती है? हाँ ताई, मैं कैसे बोल सकती थी? हे भगवान सही, तू ना, यूनिवर्स ने खुद वीरू को तेरे सामने लाके खड़ा किया था सही, ताकि तू उससे अपने दिल की बात बोल सके, लेकिन तू, तू तो उसके सामने एकदम बुद्ध बन के खड़ी हो गई। तो और क्या करती ताई? आपने देखा नहीं विराज सर मुझसे कितना नाराज है, मुझे देखते ही उन्होंने मुंह फेर लिया था। अरे वो तो इसलिए ना, क्योंकि वो तुझसे कट्टी है,
लेकिन अगर तू उसे आई लव यू बोल देती ना सही, तो वो तुझसे बड्डी कर लेता। नहीं ताई, जब इंसान गुस्से में होता है ना, तब उसे ना ही कोई बात समझ में आती है और ना सुनाई देती है। हाँ, मैं विराट सर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चिल्ला चिल्ला के उन्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन लेकिन अभी ना मैं विराट सर की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उनकी तकलीफ प्रॉब्लम हूँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर मैंने अभी विराट सर को अपने दिल की बात बताई ना, तो वो अपने दिल के दरवाजे खोलेंगे नहीं मेरे लिए, बल्कि अपने दिल के दरवाजे बंद कर देंगे और फिर उन पर ना इतने मोटे मोटे ताले और लगा देंगे। देखिए ताई, अभी आपके अलावा घर में किसी से बात नहीं कर रहे, उन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं है, और उन्होंने ना अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली है, और उनके दिल तक जाने के लिए मुझे पहले उस दीवार को तोड़ना होगा। तू वीरू को अपने दिल की बात नहीं बताएगी? मैं उनसे पहले माफी मांगूंगी, और जब मुझे माफ कर देंगे ना, तब मैं उन्हें अपने दिल की बात बताऊंगी। अच्छा, मतलब पहले तू वीरू से बट्टी करेगी और फिर उसके बाद उसको आई लव यू बोलेगी? हाँ, प्रॉमिस प्रॉमिस। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विराट सर को मना के ही रहूंगी। मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए कुछ भी करूंगी। काश जागते हुए मुझे देखकर भी मुस्कुराती। For more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.